जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रीत पाई, ये उनकी गति है। जो माया जीव को नचाती है, माया मैं मेरा, माया मेरा मेरा, मेरा तेरा माया, क्या मेरा क्या तेरा, किसी को समझाइएगा नहीं, जगत जिसमें जी रहा उसी में रहिएगा। भोजन से पेट भरता है, दिमाग में जो चीज रहती है उससे पेट नहीं भरता है, उससे दिमाग भरता है। और दिमाग आप न चाहिएगा तो कभी भरेगा नहीं, खाली रहेगा। हाँ, ऐसा यंत्र है दिमाग, बहुत विचित्र यंत्र है साहब। इति नहीं है, जगत के सामान की इति नहीं है। इसलिए कोशिश हो, जितना है बहुत प्रयास करने पर भी जितना है उतना ही रहेगा ना। आप सब लोग ये जानते ही हैं, प्रारब्ध से अधिक जो भाग्य कहते हैं जिसको हम आप, और समय से पहले न किसी को मिला है न अपने को मिलेगा। तो हाय हाय करने से तो मिलेगा नहीं, हरी हरी करना पड़ेगा। हाय हाय किया जाए तो मिल सकता है क्या? नहीं ना। प्रमाण देता हूं, देखिए हमारे देश में बहुत सारी विधा हैं, साधु परंपरा की, गृहस्थ परंपरा की जीवन है। प्रारब्ध में रहता है तो थोड़ा प्रयास करने पर आ सकता है। प्रयास करना चाहिए, कर्म बनाना अपना लक्ष्य होना चाहिए, कर्म की प्रवीणता बनानी चाहिए। कर्म करने में कभी भी विश्राम नहीं लेना चाहिए, कर्म तो करते रहना चाहिए। प्रयास करना जारी रहे, सदैव जारी रहे, प्रयास में कमी ना हो, जिससे हम ये कह सकें अरे हम भी प्रयास करते तो हम हो जाते, हो गए होते, लेकिन हमने छोड़ दिया, ये ना कहना पड़े। कैसे? किसी जन्म का प्रारब्ध रहा होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे प्रदेश के, वो नाथ संप्रदाय के महापुरुष हैं, महात्मा हैं। घर द्वार सुन का कोई मतलब नहीं, जो गद्दी है गोरखपुर वाली, श्री गोरक्ष पीठाधीश की, वो वहाँ वही जाते हैं जिनका घर से कोई लेना देना नहीं रहता है, साधु बन जाते हैं। हम भी जब घर से 5 साल घर नहीं गए थे तो घर वाले बोले, वो लगता है गोरखपुर में जोगी बन गए। हमारे पूर्व में लोग जोगी बन जाते हैं, सब यही कहते हैं, वो उनका लड़का जोगी बन गया हो। अब तो परंपरा नहीं रही, पहले लोग जाके गोरखपुर जोगी बन जाते थे, और फिर आते थे 10-12 साल बाद तो गांव में जोग रमाते थे, जगाते थे, पूरे गांव को जगाते थे। तो बाबा के परंपरा में यह है। लेकिन न जाने किस जन्म का प्रारब्ध है कि कई लोग बनते बनते रह गए और बाबा राजा बन गए, नहीं बन गए। देखिए ये क्या है? प्रारब्ध है। जोगी बने बाबा और ये क्या हो गया? अरे जोगी बने बाबा ये तो राजा बन गए। ये प्रयास, प्रारब्ध, न जाने क्या करा बैठा। किसी ने टिप्पणी बहुत अच्छी की है, हाँ शायद पूज्य बापू काशी में बोले, इस देश में दो बाबा राजा हैं, एक दिल्ली में बैठा है, एक लखनऊ में बैठा है। अरे दोनों सुत्ते नहीं दे रहे लोग, न सुत्ते थे न सुत्ते दे,
वो 4 ही घंटा सोते थे, बाबा 3.5 ही घंटा सोते थे। सारे पीएस परेशान है। हमारे मित्र अजय सिंह साहब, उनके विशेष कार्य सचिव है, कहते हैं महाराज श्री आनंदे रहता है। अद्भुत। 1 बजे छोड़ते हैं बाबा। हरिहर, ये क्या है? प्रयास जारी रखिए, प्रयास में कमी ना हो। आइए, बाबा का स्मरण आ गया तो थोड़ा जोग रमा लेता हूं। नर हाँ थोड़ी ठीक, जवाहर बजाओ। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। वही है बजे रात से उठते हैं साधु लोग और जोग रमाते हैं। ये संप्रदाय है बाबा का, नाथ संप्रदाय। जगत से कोई लेने देना नहीं हो किधर ना। अरे ना 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 विष्णु जगा।
शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती जगवे कौनो जोगिया जोगिया जोग जोग साधु परंपरा में इसको भोरहरि का गीत कहते हैं। साध लोग भोर में जिस गांव में रहते थे जमात लेकर जाते थे, भोर में हम गांव पे जाते थे, हमारे खेड़ी वाले काका जी थे वो आकर के 4 बजे हमको जगा देते थे, कबीर पंथी गीत गाते थे, साहेब साहेब क्या बात रहे नहीं वो साकेत चले गए 4 बजे, सब सो रहे हैं, घर वाले चिल्लाए रहे हैं, अरे कहां बुला लेते हो, नहीं नहीं आते हैं, बुलाते नहीं आते हैं, बहुत डांट खाते थे, लेकिन बाबा हम कक्षा 8 में थे तब से वो आते थे, बड़ा प्रेम हो, ए रस हो, चढ़ी भर जाए, उतरत रहिए, चढ़ जाए।